इंडिया में वैसे सीपीसी बहुत कम मिलता है, पर आपको कभी कभी खुद ही नहीं पता लगता कि आपकी वेबसाइट कौन सी कंट्री में जाके रैंक हो जाती है और वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा हाई सीपीसी मिलता है। हाई सीपीसी $1 या उससे ज्यादा भी जा सकता है। अब ये कैसे मिलेगा और आपको कैसे पता लगेगा, आज मैं वही बताने वाला हूँ। मैं हूँ वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से आपको सबसे ज्यादा हाई सीपीसी मिल रहा है। उसके लिए आपको अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में जाना है। रिपोर्ट्स की आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रही है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रीज दिखेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको पता लग जाएगा टुडे, लास्ट 7 डेज, 30 डेज, मंथ, लास्ट मंथ। कस्टम भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री से हाई सीपीसी मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट से मुझे लगभग $31.5 मिले और कितने क्लिक्स हुए, सिर्फ 23 क्लिक, मतलब $1 से ज़्यादा का मुझे यहाँ से सीपीसी मिल रहा है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ इंडिया से तो मुझे $67 तो मिले हैं, पर उसमें आप देखेंगे 832 क्लिक्स होने के बाद मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी किसी भी वेबसाइट को यूनाइटेड स्टेट में तो टारगेट करा ही नहीं, मैं सिर्फ इंडिया में टारगेट करता हूँ, पर कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो ऑटोमेटिकली US में जाके रैंक हो जाती है। और अगर आपका पूरा फोकस US में होगा तो आप समझ सकते हैं आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप अपनी होस्टिंग सिलेक्ट करते हैं, होस्टिंग भी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए कि बार बार आपकी वेबसाइट डाउन ना हो। मैं हमेशा होस्टिंगर को ही रिकमेंड करता हूँ। अभी यहाँ पे सेल भी चल रही है, अगर आप यहाँ से कोई भी प्लान लेते हैं 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 48 मंथ्स, तो आपको यहाँ से फ्री थीम और प्लगइन मिलेंगे। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। आप यहाँ से चाहे तो क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग या फिर ये शेयर्ड होस्टिंग भी ले सकते हैं। यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट में जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप 12 मंथ्स की परचेज करेंगे तो आपको एक प्लगइन या फिर एक थीम मिलेगी। 24 और 48 मंथ्स की परचेज करेंगे तो आपको दो थीम या दो प्लगइन मिलेंगे। तो यहाँ से आपने वेदांत कोड को ऐड करना है। अभी मैंने डिलीट कर दिया, आप देखेंगे 7872 रुपीज हो गया। हैव अ कूपन कोड में जाके यहाँ पे आप सिर्फ वेदांत टाइप करेंगे और जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 550 का डिस्काउंट मुझे मिल चुका है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं होस्टिंगर को रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि पर्सनली मैं खुद इसको यूज करता हूँ। और दूसरी बात, अब इनका एक सर्वर मुंबई में भी ऐड हो चुका है। जब भी हमें अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना होता है, होस्टिंग लेनी होती है, तो हम उस पर हमेशा सर्वर ऐड करते हैं और सर्वर हमेशा सिंगापुर का ही ऐड करते हैं, पर अब आपको मुंबई का सर्वर मिलेगा जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए जो मैं आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, जब भी आप अपनी होस्टिंग को सिलेक्ट करें और किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको वहां पे सिर्फ एशिया या मुंबई का सर्वर ऐड नहीं करना, वहां पे आपको US का सर्वर ऐड करना पड़ेगा। जब होस्टिंग परचेज करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने सिंगापुर को सिलेक्ट करा हुआ है, पर अगर आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो यहां से आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। यहां पे USA NC और USA AZ दो ऑप्शन मिलेगी। अब ये NC और AZ क्या है, मैं इसको ऑलरेडी गूगल में सर्च कर चुका हूँ। नॉर्थ कैरोलिना, सेकेंड ऑप्शन है एरिजोना। होस्टिंग परचेज करने के बाद जब आप इंटरनेशनल टारगेटिंग कर रहे हैं तो आपको यहां से उसी सर्वर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान आपने खास रखना है। थर्ड पॉइंट, डोमेन नेम। आपको डोमेन नेम की एक्सटेंशन उस कंट्री के हिसाब से लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरी जो एक्सटेंशन है technovedant.com, ये एक यूनिवर्सल है, पर अगर आप US को टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए वो technovedant.us होना चाहिए। टेक्नोवेदांत की जगह आपका ब्रांड नेम होगा। उसके लिए भी आप होस्टिंगर में जा सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोमेन में क्लिक करेंगे, डोमेन चेकर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया technovedant.us, सर्च के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे 489 पर ईयर में मुझे मेरा US की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब आपने एक अच्छी होस्टिंग भी ले ली, डोमेन नेम भी ले लिया और ऑब्वियसली आप उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने अपनी माइक्रोनिश को सिलेक्ट करना है। माइक्रोनिश जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च टूल जरूर होना चाहिए। मैं हमेशा इस टूल को रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से किसी भी टूल को ले सकते हैं। अगर आप इसे चीप प्राइस में लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। आप देखेंगे मैंने यूनाइटेड स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करा है क्योंकि मैं इस कंट्री को टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑन पेज SEO लिख के सर्च करा, अब ये मुझे सारी डिटेल्स US की दिखाएगा। पर ऑब्वियसली आप अपनी ऐसी निश को सिलेक्ट करें जिसमें US में बहुत ज्यादा सर्चेज हो रही है और CPC भी उसमें बहुत अच्छा मिल रहा है।
अब आप अपनी वेबसाइट बना चुके हैं, आप अपनी माइक्रोनिश सिलेक्ट कर चुके हैं। अब जैसे ही आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे तो वहां पे भी फ्रेंड्स आपको अपनी वेबसाइट को टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने गूगल सर्च कंसोल में जाना है। आपकी अगर मल्टीपल वेबसाइट्स है तो उसमें से एक वेबसाइट को सिलेक्ट करें जिसे आप यूएस में टारगेट करना चाहते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल रही है लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। पेज थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहां पर लिखा है इंटरनेशनल टारगेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज उस कंट्री के हिसाब से होनी चाहिए, और यहां पे आपको कंट्री की ऑप्शन मिल रही है। इसमें क्लिक करने के बाद यहां से आपने यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये सारी चीजें आपको जरूर करनी पड़ेगी, और जब आप अपना यूनिक आर्टिकल लिखेंगे, सारे ऑन पेज एसईओ, कीवर्ड प्लेसमेंट सब कुछ करने के बाद सोशल मीडिया में भी आपको यूएस को ही टारगेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत है, कोई सपने नहीं दिखा रहा, इतनी जल्दी हर कोई अचीव नहीं कर पाता, आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर कौन सा ऐसा काम है जिसमें टाइम नहीं लगता, बैठे बैठे पैसे आते हैं। मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।